कैंपियरगंज के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने सभी प्रदेश एवं जनपद वासियों को एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसी क्रम में महापौर सीताराम जायसवाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर महानगर वासियों को दी बधाई और शुभकामना दी है। महापौर ने अपने बधाई संदेश में कहा कि 1950 में भारत पूरी तरह से गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका रही। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधायक व पूर्व कैबिनेट फतेह बहादुर सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश का विकास हो, उसी में हम सब को लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला इकाइयां और प्रदेश की इकाई और पार्टी के हमारे सभी लोग गणतंत्र दिवस को भारी बड़े पैमाने पर मनाने का संकल्प लिए हैं। आने वाला 2019 जो लोकसभा का चुनाव होगा, माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हों, पुनः प्रदेशवासियों को बधाई और धन्यवाद। 26 जनवरी 1950 को भारत ने हिंदुस्तान को गणतंत्र घोषित किया गया था और तब से लेकर आज तक 70 साल हो गए। हर भारतवासी बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाता है और मुख्य समारोह दिल्ली से लाल किले से किया जाता है। हम लोग भी गोरखपुर में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। नगर निगम में 8:30 बजे झंडा फहराया जाएगा। मैं अपने तरफ से नगरवासियों को, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।